Well, Kamalanda, my name is H.D. Mishra, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department, BIT Durg. Today we are going to learn full wave bridge rectifier. A full wave bridge rectifier, as the name suggests, it is a type of bridge rectifier. And it is defined as full wave bridge rectifier is an electronic device made up of four semiconductor diodes that converts both the half cycle of sinusoidal input waveform with average value 0 into unidirectional waveform with non-zero average value. इसको हम लोग ऐसे definition में बोल रहे हैं कि sinusoidal waveform जिसका this is the sinusoidal waveform इसका average value 0 होता है, ठीक है? इसको हम लोग unidirectional waveform में convert करेंगे. Unidirectional waveform मतलब ये जो sinusoidal waveform है इसका both the half cycle बोल रहे हैं, मतलब 0 से pi के लिए ये positive half है, pi से 2 pi के लिए ये negative half है. तो ये positive negative both the half को convert कर देगा unidirectional waveform में. This is the unidirectional waveform. Unidirectional इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका कुछ average value मिलेगा. Average value मिलेगा मतलब ये क्योंकि positive है, इसका negative half नहीं है, इसलिए unidirectional हो गया और इसका कुछ average value आपको मिलेगा, ठीक है? इसको अगर मैं नेगेटिव हाफ में भी बना दूं तो भी ये ऐसा बनता है. तो यहाँ पे तो ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन ये भी यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म है, इसका भी कुछ एवरेज वैल्यू मिलेगा विच इज नॉन जीरो. इस केस में एवरेज वैल्यू पॉजिटिव होगा और इस केस में एवरेज वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक है? तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या कर रहा होगा, बोथ दी हाफ साइकिल को यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में हैविंग सम एवरेज वैल्यू, ठीक है? इट इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ डायोड लुक्स लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज. तो हम लोग जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे जिसमें रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस होता था, उसके जैसा ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए उसका नाम ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ठीक है? तो इसका सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म बनाते हैं. लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड वेवफॉर्म ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. एज द नेम सजेस्ट, अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज इट इज made up of four semiconductor diode that converts sinusoidal input waveform with zero average value into unidirectional waveform with non-zero average value. It is called bridge rectifier because the structure look like Wheatstone bridge. तो हम लोग Wheatstone bridge देखे थे, P Q R S resistance होता था, इसलिए हम लोग इसको bridge rectifier बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका वर्किंग देखेंगे. तो VP इज द प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग, D1 D2 D3 D4 आर द फोर डायोड्स एंड लोड रेजिस्टेंस आर. इसमें जो पार्ट नहीं दिख रहा होता है मोस्टली जिसको हम लोग आइडियल अज्यूम कर लिए होते हैं, दैट इज RF व्हिच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डायोड and RS which is the secondary winding resistance, and this is the transformer which is denoted by me, this notation is used by me, which is called XMER, and here the secondary winding voltage is given by VS. तो यही voltage जो apply हो रहा है VS यहाँ पे apply हो रहा है, which is called VS equals to VSM sin omega t. इसमें omega t एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये ओमेगा टी का. हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें एक्स का या फिर थीटा एंगल का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ ओमेगा टी का ग्राफ बन रहा है, ठीक है? तो यही सब कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं. अगर आपको ये सब कंपोनेंट समझ में आ गया है तो उसका वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वर्किंग ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स इसके रेस्पेक्ट में ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ठीक है? तो ये वही sinusoidal waveform है जो यहाँ पे apply हो रहा है. तो हम लोग बोल रहे थे definition में that converts both the half cycle, this is the positive half and this is the negative half, both the half cycle is converted into unidirectional waveform, ठीक है? चलिए, तो जब positive half आया इसके respect पे ये higher potential पे हो गया, तो current start होता है higher potential से, तो higher potential से current move करना शुरू हुआ, तो यहाँ से current move करके यहाँ पे पहुंचा, ठीक है? अब यहाँ पे दो parallel path है, तो करंट इसमें चला जाएगा और इसमें चला जाएगा, तो पैरेलल पाथ में करंट डिवाइड हो जाता है. तो देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तभी कंडक्ट करेगा. तो ये जो प्लस है इसके पी से कनेक्ट हो रहा है और ये जो प्लस है इसके
एन से कनेक्ट हो रहा है, दैट मींस ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस मींस ऑफ स्टेट में चला जाएगा, और ये जो डायोड है ये ऑन स्टेट में, तो करंट जो है वो मूव करके यहां से डायोड से मूव करके यहां पे आ गया। फिर यहां पे उसको पैरेलल पाथ मिल गया है, तो पैरेलल पाथ मिलने से अब करंट इधर भी जाएगा और इधर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तब देखते हैं इधर जाएगा कि नहीं, तो इधर आया तो देखिए ये जो प्लस है ये एन से कनेक्ट हो गया, तो एन से कनेक्ट हो गया मतलब ये भी रिवर्स बायस हो गया, ये डायोड बंद हो गया, तो अब करंट जो है वो इस पाथ से होके मूव करके यहां से जाएगा। अब यहां पे आने के बाद फिर ये दो पैरेलल पाथ हो गया, तो आप बोलिए कि ये फॉरवर्ड हो गया, तो नहीं ये पहले ही बंद हो गया था, तो जब ये पहले ही बंद हो गया था तो करंट वापस इस डायरेक्शन में नहीं आया, तो अब करंट इस डायरेक्शन में मूव करके आया और ये लूप फॉर्म हो गया। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो करंट फ्लो हुआ वो डायोड यहाँ डी वन से फ्लो होके गया, फिर लोड आरएल से फ्लो होके गया, उसके बाद डायोड डी थ्रू से फ्लो होके करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द करंट विच इज फ्लोइंग इज गिवन बाय आई डी या फिर I1, आप जो भी उसका नॉमेनक्लेचर दे दीजिए I1 ही लिखता है, ठीक है I1। तो I1 इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, अब इसका वैल्यू क्या है, तो 0 से पाई t पॉजिटिव हाफ है, तो 0 से पाई के लिए करंट का वैल्यू है I1 एंड I1 इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t वेयर ओमेगा t लाइज बिटवीन 0 टू पाई, तो 0 से पाई के लिए ओमेगा t का वैल्यू है। अब उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो जब पॉजिटिव हाफ आया तो जब I1 फ्लो हुआ तो ये, अब जब उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ आएगा तब ये, और ये साइकिल रिपीट होगा। तो आपको तीन साइकिल के लिए बनाना होता है, दो साइकिल भी आप बना ले रहे हो तो सफिशिएंट है। अब ये जो करंट मिल रहा है इसी को करंट को हम लोग बोल रहे हैं पाई बाई टू, पाई बाई टू पे साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है आई एम, ठीक है, और ये जीरो से पाई के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो आप जब नेगेटिव हाफ आएगा तब कैसे करेंगे, नेगेटिव हाफ मतलब ये वाला हाफ का बात कर रहे हैं, तो जैसे ही नेगेटिव हाफ आया दैट मींस इसके रेस्पेक्ट पे ये पॉजिटिव हो गया और ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया, जीरो के नीचे आ गया तो नेगेटिव हाफ हो गया, ठीक है। तो करंट हायर पोटेंशियल से स्टार्ट हुआ मूव करना, तो करंट यहां से मूव करके यहां पे पहुंचा, दो पैरेलल पाथ मिल रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में प्लस को पी से कनेक्ट करना पड़ता है और माइनस को एन से कनेक्ट करना पड़ता है, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, करंट यहाँ से मूव करके गया, अब ये डायोड बंद हो गया, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे पैरेलल पाथ मिल गया है, तो इस पैरेलल पाथ में इधर भी जा सकता है और इधर भी करंट जाएगा, तो आपको दिख रहा है कि ये रिवर्स बायस हो गया, ये बंद हो गया, करंट इधर से मूव करके आया, फिर उसके बाद अब इधर वापस नहीं आएगा, इधर करंट मूव करके गया क्योंकि ये पहले ही बंद हो गया। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब पाई से टू पाई के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हुआ पाई से टू पाई के लिए, पहले इधर गया डायोड से, फिर इधर लोड रेजिस्टेंस आरएल, फिर इधर से डायोड के ऊपर, तो ये डायोड डी टू से होके डायोड डी फोर से गया और इस समय डायोड डी वन से डी टू के थ्रू आरएल मूव करके गया था। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं आई टू से, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 का वैल्यू हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा टी लाइज बिटवीन पाई टू टू पाई, लेकिन इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव क्यों हुआ वो देखते हैं। तो I2 का बात कर रहे हैं ये वाले हाफ के लिए, जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है I2, इस समय I1 फ्लो हो रहा था, तो जब नेगेटिव हाफ आया तब करंट कंडक्ट किया, ठीक है। अब ये ऊपर बन गया, तो इसको नीचे बनना था क्योंकि नेगेटिव हाफ तो इधर है, लेकिन ये ऊपर बन गया क्योंकि दोनों ही केस में आरएल में जो डायरेक्शन था वो लेफ्ट टू राइट ही है, पहले भी जब आई वन फ्लो हुआ था आरएल में करंट का डायरेक्शन यही था, अभी भी जब आई टू फ्लो हुआ आरएल में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो दोनों ही केस में वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, मतलब दोनों ही केस में करंट को हम लोग को पॉजिटिव, तो ये नीचे यहाँ पे ग्राफ है लेकिन ये ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये साइन वेव को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर ये नीचे होता पाई से टू पाई के लिए साइन का वैल्यू नेगेटिव होता, लेकिन अभी हम लोगों को पॉजिटिव मिल रहा है इसलिए ये माइनस आगे हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये पीक वैल्यू है, ठीक। तो ये जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई ओमेगा टी है, एंगल का ग्राफ है, ये दोनों हाफ के लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लिए, ठीक। टोटल करंट आई एल क्या होगा, तो टोटल करंट आई एल इज सम ऑफ आई वन प्लस आई टू,
जीरो से पाई के लिए करंट फ्लो हुआ और पाई से टू पाई के लिए, जीरो से पाई के लिए जो करंट फ्लो हुआ उसको हम लोग बोल रहे हैं आई वन, आई वन का वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा टी लाइज बिटवीन जीरो टू पाई, ओमेगा टी जब जीरो से पाई के लिए था तब हम लोग उसको आई वन बोल रहे थे, अब आई टू क्या हो गया जब ओमेगा टी पाई से टू पाई के लिए रहेगा, ठीक है, और उसका वैल्यू है आई टू का वैल्यू माइनस आई एम साइन ओमेगा टी, तो टोटल करंट पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ दोनों के लिए फ्लो हो रहा होगा, तो टोटल लोड करंट आई एल इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू दोनों करंट का सम कर देंगे, ठीक है, ये आई एम है जीरो से पाई टू, तो पॉजिटिव हाफ के लिए जो डायोड कंडक्ट कर रहा है उसको देखते हैं, पॉजिटिव हाफ के लिए हम लोग के पास दो डायोड था डी वन और डी थ्री कंडक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे डी वन डी थ्री लिखेंगे, ठीक है, डी वन डी थ्री, नेगेटिव हाफ के लिए डी टू डी फोर कंडक्ट कर रहा था डी टू डी फोर, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा डी वन डी थ्री प्लस डी टू डी फोर डी वन डी थ्री डी टू डी फोर, अब करंट जब मिल गया है तो हम लोगों को वोल्टेज का भी ग्राफ चाहिए, वोल्टेज VL यहाँ पे है लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा होगा उसका ग्राफ बनाना है, तो इसको हम लोग VL बोल रहे हैं, तो जैसे जैसे करंट फ्लो होगा वैसे आपको वोल्टेज मिलेगा VL equals to IL into RL, तो VL का भी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो से पाई के लिए VL का वैल्यू है VSM sin omega t और पाई से टू पाई के लिए उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस VSM sin omega t, इसको हम लोग बोल रहे हैं VSM sin omega t और इसको बोल रहे हैं हम लोग माइनस VSM sin omega t, ठीक है, वेयर VSM इज द पीक वैल्यू sin 90 पे मैक्सिमम वैल्यू VSM मिल रहा है, ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ पे होता है वो देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो ये बहुत आसान लग रहा है कि इससे आसान कुछ है ही नहीं कि हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बना लिए बहुत आसानी से बने, दिक्कत कहाँ पे होता है वो देखिए, अब क्योंकि चार डायोड ही लगाना है यहाँ पे, अब डी वन डी टू डी थ्री डी फोर लगाए हो, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं डी वन ऐसा बन गया और डी टू ऐसा बन गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया इस तरफ बन गया डी टू मतलब P इधर एंड है, तो अब क्या होगा करंट यहां से फ्लो करके यहां पे चला जाएगा और करंट लोड पे कुछ भी नहीं जाएगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ यही पर मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ यही प्रोवाइड करेगा, शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा और पूरा करंट यहां से ही चला जाएगा, तो एक डायोड का डायरेक्शन चेंज होने पे पूरा वर्किंग गलत हो जाता है, तो हमको लगता है कि मेरा आंसर पूरा सही है लेकिन सिर्फ एक डायोड इधर से इधर हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, तो और भी लोग मिस्टेक करते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये डायोड है, अब जैसे हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ लिए क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े हुए 12th में रेक्टिफायर क्या होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, तो हमको ये समझ में आता है कि वेव फॉर्म ऐसे ही बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पे डी वन की जगह अगर नाम चेंज कर दूं इसको डी टू इसको डी वन इसको डी थ्री डी फोर, तो यहाँ पे जो डी वन डी थ्री है इसके साथ मैच है करेगा, तो आप जो नाम प्रोवाइड किए हो उसके साथ ही आपको उसका डायरेक्शन दिखाना है पॉजिटिव हाफ में कौन कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए डी वन डी थ्री और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए तो पूरा गलत हो जाएगा, तो आपको ये समझना है कि कौन सा डी वन और कौन सा डी थ्री होगा उसको ही हम लोग को यूज करना है, ठीक है, तो कोई हाइड एंड फास्ट नहीं है कि मैं जैसा बनाया है वैसे ही बनाइए, तो मैं जैसा रेक्टिफायर बनाया इसमें पॉजिटिव हाफ में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ ऐसा, ठीक है, और नेगेटिव हाफ में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, ठीक, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो भी ये ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा, ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन सा डायोड कहाँ पे चेंज हो गया, तो अगर मैं उसको चेंज कर दूं तब मेरा सर्किट कैसे बनेगा वो देखिए, तो अगर एक और टाइप का ये ब्रिज रेक्टिफायर है मैं सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो सर्किट बनाते समय हमको ये ध्यान में रखना है कि जेड बनना चाहिए, ठीक है, तो सर्किट बनाते समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि Z बनना चाहिए, तो पहले Z जो बन रहा था वैसे था, अब देखिए पॉजिटिव हाफ के लिए जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो पॉजिटिव हाफ का अब Z ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, और नेगेटिव हाफ का Z अब ऐसे बन रहा होगा, तो आप चारों डायोड को कैसे भी प्लेस कर सकते हो मगर Z बनना चाहिए, एक हाफ में एक दो डायोड कंडक्ट करना चाहिए और अगले हाफ में दो डायोड कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है, तो अब इसके नाम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो अगर आप इसको D1 और इसको D3 लिख रहे हो तब तो ये फिर से
ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। तो यही सब छोटा छोटा मिस्टेक हम लोग करते हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो ब्रिज रेक्टिफायर आपसे आसानी से बनेगा। थैंक यू।